हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है, 8 बज गए हैं और मैं अभी बना रही हूँ ब्लैक टी अपने और मम्मी के लिए। और आज का हमारा नाश्ता है, मूली के पराठे बनाएंगे आज। और किस तरीके से बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी चाय भी बन गई है। मूली को कद्दूकस कर रहे हैं और इसका मूली का पराठा बनाएंगे। ये मूली के पराठे की तैयारी हो चुकी है। मूली को कद्दूकस कर लिए हैं, प्याज को बारीक काटा है, मेथी भी बारीक बारीक काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, धनिया और मिर्ची। और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं हम। ये मम्मी डाल रही है सरसों। इसमें डाल रही हूँ मैं मेथी। धनिया है, धनिया। अब मम्मी डाल रही बारीक वाला मेथी। बड़ा चम्मच लेना था ना। अभी थोड़ा प्याज थोड़ा ब्राउन नहीं, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तब फिर हम टमाटर डाल देंगे इसमें और नमक और हल्दी डाल देंगे इसमें। आप इस तरीके से मूली पराठा बनाओगे तो आपको ज्यादा टेस्टी लगेगा। और ये मूली का पानी निचोड़ के निकाल दिए हैं, ज्यादा जो पानी रहता है उसको निकाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं बस, नहीं तो पराठा गीला बन जाता है। हल्दी डाल दिए हैं इसमें। नमक नहीं डाले अभी ना, डालूंगी ना। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर ज्यादा है क्या? बता दू, देख लो है ना। अपने हिसाब से डालने से बचा देती हूँ। नमक डाल दी मम्मी, टेस्ट के हिसाब से डाल रहा हूँ। ढक के पका देते हैं। देखो ले मम्मी पराठे का आटा लगा रही है, उसमें मम्मी तेल डाली है, नमक डाली है।
टमाटर पक गया। अच्छा टमाटर पक चुका है, इसमें अब मूली डाल देंगे। मूली को बन चुका है, अब इसमें धनिया डाल देते हैं। अब इसके पराठे बनाएंगे हम, मजेदार पराठे। पराठा बना रहे हैं, ये वाले मूली पराठा में दो रोटी पहले बना लेते हैं, फिर एक रोटी के ऊपर मूली का जो ये जो मूली की जो सब्जी बनाई है वो उसको डाल के दूसरे से ढक देते हैं उसको। चल क्यों पतली रोटी बनानी है, उसके ऊपर फिर ये मूली को डालना है। अच्छा मूली की सब्जी डालेंगे इसमें। अब इसके ऊपर जो दूसरा रोटी बनाए थे उसको लगा देंगे। किनारे किनारे दबा देंगे, किनारे दबा देंगे सारा पूरा अच्छे से, ताकि निकले मत सेकने के टाइम पे। अब इसको तवे पर डाल देंगे। अभी अच्छे से सिक गया है तो इसमें तेल डाल देंगे।
ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये अब हम लोग इसको खाएंगे। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और रामायण देख रहे हैं। हमारे संस्कारी बच्चे पोकेमॉन गेम क्या खेल रहे हो विवान? देखते हैं मम्मी क्या कर रही है अभी। ओह मम्मी मेरा व्लॉग देख रही है आज। आज क्या? कल का व्लॉग देख रहे हैं। नीचे मम्मी का गार्डन फ्लावर्स खिल रहे हैं अभी भी क्योंकि इस बार ठंड बहुत दिन तक पड़ रही है तो फ्लावर्स खिल रहे हैं। नहीं तो ये सारे सीजनल हैं अभी तक खराब हो जाते हैं। ये मेथी देखो कितनी। देखिए फ्रेंड्स ये पेंटिंग मैंने बनाई है। आपको मैं अपनी एक और पेंटिंग दिखाती हूँ। ये पेंटिंग पायल के रूम में लगी है, ये भी मैंने बनाई है। मैंने और बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई है लेकिन वो ऐसे रखी हुई है, उसको कहीं लगाया नहीं है मैंने। बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार है। विवान भी रेडी हो गया भाई बर्थडे में जाने के लिए। नहीं ठीक है चलो विवान मास्क लगा लो। चलो क्या करोगे बर्थडे में तुम लोग? क्या करने वाले हो? तो ये दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा विवान ये देख स्लिप हुआ ना। ये बच्चे आ गए। अरे खुश नहीं बेटा, खुश रहो। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं अभी। गुड। अरे गाना तो चले बिना म्यूजिक के। गाना तो लगा दे तेरे लिए जुड़ी कंगना। अरे तू काचा बादाम में की थी ना डांस अनिका? काचा बादाम में की थी ना? वही करो काचा बादाम में लगा दे। अरे ये आ गया है देखो तने। जल्दी लगाओ जल्दी। नो दैट इज अ टाइटन। दैट इज अ टाइटन, दैट इज नॉट अ मॉन्स्टर। नो आई एम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। Yeah.
ध्यान से इधर देखो, वो चालू कर देता है। अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।